साथियों, हमारी सरकार 21वीं सदी में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। पहले की सरकारों ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी। देश में कैसे पावर सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, देश की ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, इसका एक उदाहरण कल ही कानपुर में मुझे दिखाई दिया। कल कानपुर में यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको इस बात बराबर समझ आएगी। कल कानपुर में पनकी पावर प्रोजेक्ट के विस्तार का काम आरंभ हुआ है। लेकिन साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि पनकी प्रोजेक्ट में 40-40, 50-50 साल पुरानी हो चुकी मशीनों से काम लिया जा रहा था। मशीनें हांफने लगी थी, कांग्रेस जैसा हाल था उस मशीनों का भी। नतीजा ये था कि जो बिजली वहां बन भी रही थी उसकी कीमत आ रही थी 10 रुपये प्रति यूनिट। आज जब हम सौर ऊर्जा से 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की बात करते हैं, तो सोचिए 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली पैदा करके किसका भला हो रहा था, लेकिन चल रहा था। साथियों, पहले की सरकारों के इसी रवैये ने देश के पावर सेक्टर को खस्ताहाल कर दिया था। देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी कि पावर प्लांट्स में 1-2 दिन का ही कोयला बचा है। पावर सेक्टर की अव्यवस्था का ये वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूब जाते थे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। देश के पावर सेक्टर को सुधारने के लिए इसलिए हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ काम किया। हमने 4 चीजों पर फोकस किया, 4 अलग अलग स्तरों पर काम किया, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर ले जाए, घर घर बिजली नहीं पहुंच सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले बिजली के प्रोडक्शन पर बढ़ाने पर जोर दिया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा, कोयले से बनने वाली ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। जिस कोयले के आवंटन में देश में करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसी कोयले की नीलामी के लिए हमारी सरकार ने देश को एक पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था दी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समय हमने 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी के उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य भी रखा। इस लक्ष्य पर चलते हुए अब तक 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जोड़ी भी जा चुकी है। साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं।
हमारा सपना है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड, एक दुनिया एक सूरज एक व्यवस्था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड, और कभी न कभी ये साकार होने वाला है।